हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये कान्हा जी की पगड़ी बनाना बताऊंगी। चार नंबर के लड्डू गोपाल की पगड़ी है और ये ड्रेस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो ये ड्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक नॉट लगाएंगे और नॉट में हम चेन बनाएंगे। हम टोटल 46 चेन बनाएंगे। तो ये मैं 46 चेन बना रही हूँ। 46 चेन कंप्लीट करने के बाद दो चेन स्किप करके जो थर्ड नंबर की चेन है उसमें हम इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये जो हमने दो चेन स्किप करी है ये भी हमारा एक फंदा बन जाता है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 45 डबल क्रोशिया हो जाती हैं तैयार। इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से ये राउंड को कम्प्लीट कर लूँगी। पूरे राउंड को हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी मैं और ये पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। अब कंप्लीट होने के बाद ये देखिए इस तरह से दिख रही है मेरी पट्टी। ये जो हमने तीन चेन बनाई थी ये भी हमारे एक फंदे की तरह काउंट होता है। तो हमारे पास टोटल 45 चेन बन गई हैं इस राउंड में। अब यहाँ से मैं अपना दूसरा कलर अटैच करूँगी और एक चेन उतार लूँगी। उसके बाद दो चेन और उतारूँगी और अब अगली चेन में पहली चेन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला फंदा हो जाता है। तो इसके बाद अगली चेन में हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से ही मैं ये पूरी पट्टी को तैयार करूँगी। तो ये लाइन मैं एक हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से कंप्लीट कर लूँगी। हर चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अब ये देखिए मेरी लाइन इतनी कम्प्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं चौथी लाइन बनाऊँगी अपनी। इस तरह से दो चेन बुन के फोर्थ रो में मैं पहली चेन को स्किप करूँगी और अगली चेन से फिर से हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करूँगी और हर चेन में मैं वापस से एक एक हाफ डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसको इस तरह से हम क्रॉस करते हुए पकड़ेंगे इस पट्टी को। बहुत ध्यान से देखिए और इस तरह से पीछे ला के इसको जोड़ देंगे हम। आप सुई धागे की मदद से इसको सिल लें। मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलेंगे इसे। इस तरह से सुई को डालना है और इस तरह से निकालना है और इस तरह से इसको पूरा सिल लेना है। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से पीछे जॉइन कर लेंगे। ये मैंने दोनों पट्टी जॉइन कर ली। अब यहीं से हम अपने सुई को ऊपर की साइड ले जाएंगे सेंटर में और ये बीच वाला हिस्सा इसका सिल लेंगे। तो ये सेंटर वाला हिस्सा भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सिलना है। इस तरह से हम निडल डाल के ये सिल लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा सिल लिया है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो दोनों साइड से भी इसे सिल सकते हैं पर मैं यहाँ पे साइडों से इसे नहीं सिल रही हूँ। इसके बाद इस पे आगे की साइड मोहर की तरह लगाने के लिए हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे। तो एक चेन राउंड नॉट लगाई मैंने और नॉट में मैंने दो चेन बना ली। दो चेन एक फंदे की तरह काउंट होंगी हमारी। इसके बाद मैं इसी चेन में छः डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक ही नॉट में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी और इस तरह से इस धागे को खींच के टाइट कर दूँगी। ये मेरा एक हाफ सर्कल की तरह हो गया। इसको जॉइन नहीं करना है हमने और इस तरह से दो चेन लेके पलट लेना है और सेम जिसमें हमने दो चेन लिया सेम उसी चेन में वापस से एक हाफ डबल क्रोशिया और बनानी है। इसके बाद हर अगली चेन में हमें दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हर चेन में दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना के मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और सुई से इसके धागे को सिल के सेट कर लूँगी मैं। इस तरह से इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जो लास्ट की चेन है उसमें भी निकालनी है हमें दो हाफ डबल क्रोशिया और इसको जॉइन नहीं करना है हमको। इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ के हम इस पर आगे की साइड सिल देंगे। इस ऊन को हम काट देंगे और इस तरह से इसको आगे की साइड सिल देंगे। आप चाहें तो इस पर मोती भी लगा सकते हैं, मोती या स्टोन कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने सुई को इसको सिलने के बाद नीचे लेके आएंगे और इसमें इस तरह से अपने निडल में हम पर्ल भरेंगे छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह से हम एक माला की तरह यहाँ पर सामने लटकन लगाएंगे इस तरह से तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो इसको इस तरह से सिलने के बाद हम पीछे से इसमें एक नॉट लगा के इसको तोड़ देंगे धागे को।
देखिए आप चाहें तो साइड में भी इसमें पर्ल लटका सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने लगाए हैं ये दो साइड में लाइन। अब हम इसका पीछे के लिए सर्कल बनाएंगे, तो एक नॉट लगाएंगे फिर से हम, जैसे हमने पहले हाफ सर्कल बनाया था बिल्कुल उसी तरह इस नॉट में हम दो चेन बनाएंगे। ये दो चेन एक फंदे की तरह होंगी और फिर इसी नॉट में हम सात हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही नॉट में सात हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, और इस धागे को खींच के हम टाइट कर लेंगे और उस धागे को हम बुनाई में ही ले लेंगे। अब इसके बाद दो चेन लेके मैं पलट लूँगी और सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास एक चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमने तीन चेन ली थी वो भी एक फंदे की तरह काउंट होगा। इसके बाद हर चेन में हम दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, बिल्कुल जैसे पहले हमने अपना पहले वाला हाफ सर्कल बनाया था बिल्कुल उसी तरह। तो ये मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद दो चेन लेके हम वापस से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद सेम चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके बाद हमें दो चेन बनानी है, ठीक है। दो चेन बनाने के बाद ही हमें अगली चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई मैंने अगली चेन में और फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ठीक है। इसके बाद फिर से हम दो चेन लेंगे और अगली चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, हर चेन में हमें दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और दो चेन बुननी है। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना है, ये पगड़ी का पीछे से मुकुट की तरह लगेगा ये। और इसमें एक चेन लगा के इसको हम काट देंगे और काटने के बाद इसको इस तरह से हम पीछे की साइड थोड़ा सा रखें ऊपर को और इसको सुई धागे से हम सिल देंगे। मैं इसको सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए सिलने के बाद मैंने इस पर ये स्टिक की पर्ल इस पर लगा लिए हैं और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कान्हा जी की पोशाक देखना ना भूलें। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके बाय, टेक केयर।